पीले नहीं तो पाना देर में दी है रसगुल्ले पीले के दी पा इधर देखो कासिम कासिम बड़ा एक्शन मार दोनों बहनों ने चलो सब ऐसे से करो और हमारी देखा अदा छोटे मैनेज कर अदा चाहे क्रिकेटी फील हो या मेरे पेशेंस के लिए शायद मुंह को कॉम्प्रोमाइज इसलिए दांतों की ऑल राउंड प्रोटेक्शन के लिए इग्नोर मेसी बैकग्राउंड ये है आज मायों डे ये है मायों का लुक में बना है गरारा आसिम भाई दूल्हा मियां डे वन कैसा लग रहा है? है कैसा लग रहा है अभी तो तैयारी चल रही है अभी तो अच्छी फील आ रही है अच्छी फील आ रही है ख्वारी स्टार्ट होगी भी है डे वन कैसा लग रहा है डे वन अभी शुरू नहीं हुआ शुरू नहीं हुआ आ रहा है शादी शादी वाला फील हो रहा है बताओ और दुल्हन अभी दोस्तों से बात कर रही है स्वीटी कैसा लग रहा है भैया स्वीटी बताओ कासिम आज की तैयारी के बारे में बहुत मजे का सेटअप स्टेज चंगा लाया तुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें तासुरा सबसे पता नहीं कैसे नहीं घर की तैयारी तो दिखाओ ना हाँ मजा आएगा पर बारबेक्यू के भी शॉर्ट्स लेके आओ कासिम अभी ऊपर से बारबेक्यू का सेटअप आज अच्छा। खाने में बारबेक्यू मायों डे किसका मुझे बबरी बात कर रही थी थोड़ा नजर आ ज़ूम पूरा फ्रेम तुम्हें दे दिया मैंने ठीक है बहुत मसरूफ है आज अदा ने डांस प्रैक्टिस ज्यादा डांस किया और अब मैं सारा भी कर लिया बाद में क्या करना है बाद में भी प्रैक्टिस बाद में सिर्फ प्रैक्टिस नहीं अभी प्रैक्टिस बाद में अदा ये प्रोफेशनल ऐसा लगा दो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे घर में चल रहा है माइयों का सीन और दिखाना मैं ये चाह रही थी कि कुछ डेकोर वगैरह लेकिन हमने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था खुद से बस हल्का फुल्का स्टेयर्स को सेट कर लिया था एंट्रेंस सजा ली थी और बैकग्राउंड थोड़ा सा जहाँ पर दूल्हा दुल्हन ने बैठना था वो थोड़ा सा हमने कुछ सेट वेट कर लिया था इसके अलावा क्योंकि दोनों फैमिलीज थी बस तो हमने कुछ खास इसलिए भी नहीं था कि यार फैमिली फंक्शन है तो जितना सादा हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आएगा मतलब हम लोग ज़्यादा डिकोर के ऊपर थकने नहीं वाले थे इसलिए हमने सोचा कि यार बस ठीक है उतना लाइट सारा जिसमें हम लोग खुद ज़्यादा मज़ा कर सकें इन्जॉय कर सकें उतना करेंगे तो खाने में भी हमने इसलिए बारबेक्यू रख लिया था कि खुद से ना थकना पड़े किचन में तो बारबेक्यू ऊपर सेट अभी मैंने दिखाया वो ऊपर सेट अलग से हो रहा था उसके लिए बाहर से वही जो बारबेक्यू बनाते हैं वही उन्हीं को बुला लिया था उन्होंने ही बना के दिया और इतना मज़े का था सबको इतना पसंद आया था बारबेक्यू और इसके अलावा चाय वगैरह थी और यहाँ पे रस्म वगैरह स्टार्ट हो गई थी आवाज़ मैं आप लोगों को सुना देती मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे मुसलसल गाने चल रहे थे तो मुझे है कि कॉपीराइट इशू ना आ जाए तो फ़ायदा है इससे वीडियो लगाने का मज़ा भी नहीं आएगा और गानों की वजह से मेरी आवाज़ खुद भी ठीक से समझ में नहीं आ रही थी और जिसने कैमरा पकड़ा हुआ था वो सब अपनी आवाज़ ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे थे और बाकी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था
आई होप आप लोग इस वीडियो को भी इंजॉय करेंगे। स्वीट सारी फैमिली है और हम लोग जैसा नॉर्मल ऐसे कहीं फंक्शन पे अपना टाइम गुजारते हैं उसी तरह था। मुझे बहुत नेचुरली दिखाना था आप लोगों को, तो नेचुरली उतना सा हो नहीं सका, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे उस म्यूज़िक की वजह से। लेकिन आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ये नेचुरल सारा चल रहा है सब कुछ, जहाँ मर्जी कैमरा घूम रहा है। और हम तो मतलब लड़की वाले लड़के वाले आपस में हम लोग कज़न्स हैं, तो इसलिए कुछ वो भी सीन नहीं था कि हमें कुछ ऑकवर्ड लग रहा हो, तो इसलिए सारा फैमिली वाला सीन था। और मेरे भी सब शुगर वगैरह लगा रहे थे बीच में, मिठाई खिलाते हुए तंग करना, मुझे बोल रहे थे कि ज़्यादा खिलाओ, तो मैं कहती नहीं नहीं मुझे पता है कि बहुत बुरा लगता है खाना ना, मुझे मीठा खुद नहीं पसंद है, तो मैं चाह रही थी कि दुल्हन को भी ये ज़्यादा बियर ना करना पड़े मीठा खाना, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा खिला रही थी। मुझे बोल रहे थे कि ज़्यादा खिलाओ ना, तो मेरे को बता रही थी कि मैं रस्म मतलब कैसे कैसे करनी है, तो मुझसे पूछ रहे थे साथ साथ जो भी स्टेप बन रहे थे मैं उनको बता रही थी। हम दोनों की क्योंकि वो कोरोना में हुई थी शादी, तो कुछ रस्म वगैरह हम लोग प्रॉपर से कर नहीं सके थे इवेंट्स वगैरह में। बाकी हमने एक दिन पहले जब निकाह था, तो उस दिन उसे एक दिन पहले हमने मेहंदी को सेलिब्रेट कर लिया था, तो मैं यहाँ पे कहती चलो हमारा तो हुआ नहीं, लाओ मैं तुम्हारा भी साथ साथ ही जो पूरा कर दूँ। तो मेरा भाई बोल रहा था कि हाँ ठीक है अपना भी साथ साथ ना तुम लोग निपटा लो। खुदा इवेंट को छोड़ के जहाँ पे उसको बाबा नज़र आए थे वो साथ ही अपना खेलना शुरू हो जाती थी, यहाँ पे बाबा उसके साथ खेलने लग गए, सारा ध्यान हमारी तरफ से हट के खुदा की तरफ हो गया कि बस अब उसको देखो वो क्या कह रही है। हमने ना हुदा का फ़ायदा उठा के जो डांस किया था, जिसको डांस करने में थोड़ी शर्म आई थी, वो क्या करता था हुदा को उठाता था और हुदा को उठा के जो घूमना होता था वो घूम लेता था थोड़ा सा डांस में। तो ये सब फ़ायदा उठाया हुदा का हमने कि यार खुल के ज़रा डांस कर लें, बीच में आ जाए शौक पूरा कर लें, दूसरों को नज़र भी आ जाए कि हाँ ठीक है पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम लोग भी ना शादी में। तो मुझे कैमरा स्विच करना पड़ा था, कब से मुझे शोर मचा मचा के बुला रही थी कि आप ही मैंने रस्म करने जाना अपनी अच्छी प्यारी दोस्त की, तो मेरी वीडियो बनाओ आप। और इसके असल में मलाइका और जो अदा हैं वो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कज़न्स भी हैं, आपस में लड़े भी बहुत हैं ये लोग, इनका प्यार भी बहुत है। और अदा कह रही मुझे मिशाल के साथ जाना है, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। मिशाल भी अदा की बहुत अच्छी दोस्त है और ये दोनों चाह रही थी कि हमने इकट्ठे जाके मलाइका को तंग करना है। और मिशाल मलाइका को तंग करी थी कि नहीं मिठाई खाओगी तो तुम पूरी खाओगी, आधी मैं तुम्हें नहीं खिलाने वाली हूँ। तो बस इन दोनों इन तीनों की बल्कि यही बातें चल रही हैं। तो अदा यहाँ पे बस खुश हो गई थी कि यहाँ पे मेरी वीडियो आनी चाहिए, हम तीनों की वीडियो आनी चाहिए। मैंने जाना भी मिशाल के साथ ही और हमारा पूरा क्लिप आपने ही रिकॉर्ड करना है, तो मुझे अपना कैमरा पूरा इनकी तरफ रखना पड़ा जब तक इन दोनों ने रस्म नहीं की अच्छे तरीके से। तो बस अब ये फायरिंग होने के बाद हम लोगों का खाने का सीन था, खाना वगैरह खाया, उसकी मैं वीडियो बनाई है, मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। मैं खा नहीं सकती थी खुद से क्योंकि मैंने हुदा को मलाई कर दे रही हूँ, मैंने हुदा को पकड़ा हुआ था, तो मुझे आप ही ने खाना खिलाया। आयजा मामा के साथ आओ, मामा के साथ इसका क्या काम है अंदर? किसका? ये फूलों का इधर रख दिए। खाना खाते हुए कौन क्या क्या खा रहा है? अमीर ही बना रहे हो? क्या क्या खा रहे हो? मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ।
कितना कितना खा रही कितना मीठा खाया तुमने आज बहुत ज्यादा पूरा हो गया साल का बहुत ज्यादा अभी बाकी है अभी मेहंदी बारात बारात भी नहीं बारात भी नहीं हाँ लेकिन बहुत है अभी भी क्या ले रही हो आप बस आप डालो मैं बस बना रही यहाँ पे अब वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और सबसे ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।